फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी अस्त्रा और मैं हूँ रितिका। तो आज हम शेयर करने वाले हैं एक चॉकलेट फेशियल जिसका 4 स्टेप्स है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो शॉप्स में तो बहुत सारे चॉकलेट फेशियल्स का, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, बट उससे अच्छा होता है अगर आप कुछ भी चीज़ घर पे बनाकर ट्राई करें अपने ऊपर, क्योंकि आपका जो घर पे बनाया हुआ जो इन प्रोडक्ट्स होता है, जो भी होता है फेशियल या फिर जो भी आप ट्राई करते हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपको खुद अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, सल्फेट्स, पैराबिन्स फ्री होता है, और जिसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन में एक अलग ही ग्लो मिलता है आपको। तो चलिए, वो चॉकलेट फेशियल आपको कैसे करना है घर पे ही बनाकर, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले, अगर आप नए हैं हमारी चैनल ब्यूटी अस्त्रा पे, तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ब्यूटी अस्त्रा को फॉलो करें और मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए है, जरूर चेकआउट कर लेना। इस चॉकलेट फेशियल का 4 स्टेप्स है, क्लींजिंग, फेस स्क्रब, फेस मसाजिंग क्रीम एंड फेस पैक। चॉकलेट फेशियल का पहला स्टेप है फेस क्लीनिंग। इसके लिए आपको एक बोल में वार्म वाटर लेना है, फिर उसमें एक टॉवल को डिप करके एक्सेस वाटर को फिर स्क्वीज कर लेना है। फिर आपको उसी टॉवल को लेकर अपने फेस में डैब डैब मोशन में अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इस स्टेप से आपका जो पोर्स है वो ओपन हो जाएगा और फेशियल का जो गुडनेस है वो अच्छी तरह से आपका स्किन में पेनिट्रेट हो पाएगा। इस स्टेप का 2 एडवांटेजेस है, आपका फेस को स्टीम भी मिल जाएगा और अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। इस फेशियल का सेकंड स्टेप है फेस स्क्रबिंग। इसके लिए आपको एक क्लीन बोल में 1/2 टीस्पून ऑफ कॉफी पाउडर डाल देना है, फिर उसमें 1/2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर डाल देना है। आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में कोको पाउडर आपको मिल जाएगा। फिर उसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाला है मैंने, फिर उसमें आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल की डाल रही हूँ, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आपके पास जो कोई भी ऑयल्स है आप डाल सकते हैं, या फिर आप स्वीट आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा पानी या फिर मिल्क डाल के आप मिक्स कर ले सबको। मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है इसलिए मैंने मिल्क नहीं यूज़ किया है। इस स्क्रब को आपको पूरा फेस में अप्लाई करना है पहले। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो उसमें सिनेमन पाउडर यूज ना करें, सिर्फ कॉफी पाउडर एंड कोको पाउडर से ही स्क्रब को बनाएं। फिर इस मिक्सचर को अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से रब करें। ध्यान रखिए ज्यादा प्रेशर ना दें। इस चॉकलेट फेस स्क्रब में सिनेमन पाउडर होने की वजह से आपका जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। कॉफ़ी पाउडर होने की वजह से आपका फेस में अगर कोई भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन या फिर टैन है, उसे भी ये स्क्रब दूर करने में हेल्प करेगा। और कॉफ़ी का जो फाइन ग्रैन्यूल्स होता है वो आपका फेस को बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रब करने में हेल्प करेगा। इस स्क्रब में कोको पाउडर होने की वजह से आपको एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा। अच्छे से स्क्रब करने के बाद ठंडे पानी से आप इसे धो लें और फिर पोंछ लें। इस फेशियल का थर्ड स्टेप है फेस मसाजिंग क्रीम। तो इसके लिए आपको एक क्लीन बोल में 1 टीस्पून कर्ड लेना है, फिर उसमें 1/2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है और ये फेस मसाजिंग क्रीम रेडी। ये एक
बहुत ही क्रीमी और फ्लफी टेक्सचर देगा। तो आपका इजी एंड होममेड फेस मसाजिंग फेशियल क्रीम रेडी। तो इस फेस मसाजिंग क्रीम को थोड़ा सा माउंट में लेके आपको पूरा फेस में अच्छी तरह से मसाज करना है। इस फेस मसाजिंग क्रीम का बहुत सारा बेनिफिट्स है। इसमें दही होने की वजह से ये आपका फेस को ड्राई नहीं होने देगा, मॉइस्चराइज रखेगा और कर्ड एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है। और कोकोआ पाउडर में तो बहुत सारा बेनिफिट्स होता है आपके स्किन के ऊपर। ये आपका स्किन को बहुत अच्छी तरह से ग्लोइंग, टाइट और ब्राइटनिंग इफेक्ट देने में हेल्प करता है। इस फेस मसाजिंग क्रीम को अप्लाई करके अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करें। अपने चिक्स को आउटवर्ड और ऊपर की तरफ खींच कर पुल करें। इससे आपका जो फेशियल मसल्स है वो टाइट होगा और लूज नहीं हो जाएगा और आपका जो फेस में ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। इस पूरे फेशियल में आप अपनी नेक रीजन को मसाज या फिर फेशियल करना ना भूलें, क्योंकि अलग हो जाएगा स्किन टोन नहीं तो। लास्ट और फाइनल स्टेप है फेस पैक। इसके लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, फिर उसमें 1 teaspoon ऑफ कोको पाउडर डाल देना है और फिर उसमें 1/2 teaspoon ऑफ हनी यानी कि शहद ऐड करना है। 1/2 lemon juice डाल दें उसमें। आप चाहे तो मिल्क भी ऐड करके इस पेस्ट को बना सकते हैं, पर मैं इसमें एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। तो ये एक क्रीमी फेस पैक जैसा बन जाएगा। फिर ब्रश की मदद से या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर ले इस फेस पैक को। इस फेस पैक का बहुत सारा बेनिफिट्स है। इसमें कोको पाउडर होने की वजह से ये आपका स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा, इंस्टेंट ब्राइटनेस देने में हेल्प करेगा और लेमन होने की वजह से ये आपका फेस को डी टैन, पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स होने की वजह से डल फेस को भी बहुत अच्छी तरह से लाइटन करने में हेल्प करेगा और हनी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस फेस पैक को लगाने के बाद अच्छी तरह से सूखने दे, फिर कोल्ड वाटर से वॉश कर ले। इस होममेड चॉकलेट फेशियल को करने के बाद इंस्टेंट ब्राइटन और लाइटन लुक मिल ही जाएगा आपको। एक शेड लाइटर कर देगा आपका स्किन टोन को। तो इस फेशियल को 2 weeks में एक बार जरूर करें। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि किसको नहीं पसंद होता है ना होममेड या फिर होममेड कुछ भी या फिर होममेड फेशियल रेमेडीज वगैरह, तो सबको पसंद होता है। तो सभी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसे ही स्किन केयर, हेयर केयर या फिर कोई भी फन टाइप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट के लिए भी वीडियोस बनाते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर और भी सारे सेलिब्रेशंस या फिर कुछ भी इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस हम बनाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जब भी कोई भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको वो पता चले। अगर आप ऐसे ही स्किन केयर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो एंड स्क्रीन पे दिए हुए हैं, उसे क्लिक करके ज़रूर पहुंच जाना वहाँ पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।